हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके साथ स्टोन लव गोट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने जा रही हूं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग हेवन गोट के स्टोन के मैजिक के कारण हेवन में पहुंच चुका था। विंग ने जब अपनी आंखें खोली तो उसने देखा उसके सामने अनजान होकर भी कुछ जाने पहचाने लोग खड़े थे। विंग चिंग की तरफ देख रहा था, जो ना ही केवल एक मून प्रिंसेस है, वह उसके पिता की बहन है, वह लैनजेन की माँ है और वह उसकी चिंग आंटी है। तो चलिए दोस्तों, कहानी से आगे शुरू करते हैं। विंग ने विंग से कहा, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। मुझे हमेशा से विश्वास था कि मून गोट आज भी जिंदा है। भले ही मैंने तुम्हें खुद उस गहरी खाई में गिरते हुए देखा था, लेकिन मेरा दिल कभी भी नहीं मान पाया कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो। और एक दिन जब मुझे तुम्हारा स्टोन मिला तो मुझे पूरा यकीन हो गया था कि तुम आज भी इस दुनिया में हो, क्योंकि उस स्टोन की चमक आज भी कम नहीं हुई है। चिंग ने आगे बढ़कर विंग के शोल्डर को पकड़ते हुए कहा, और अब मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार फिर से मेरे पिता यानी अपने ग्रैंडपा का सपना पूरा करो और उस क्राउन को पहनो जो जुआंगजू ने तुमसे छीन लिया था। चिंग, जिसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, और चिंग के आंसू देखकर विंग भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। विंग ने धीरे से कहा, मून प्रिंसेस। तभी चिंग ने विंग को गले लगाते हुए कहा, विंग मेरे लिटिल मून प्रिंस, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं बचा पाई और इतने सालों तक मैं तुम्हें भी नहीं ढूंढ पाई। मून प्रिंसेस ने विंग से दूर होते हुए कहा, अच्छा होता अगर मैं उस रोज उस जुआंगजू के साथ उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि उनकी अपनी अलग फैमिली है, उनकी वाइफ है, उनके बच्चे हैं और मैं उनके बच्चों को अनाथ नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह वैन रोहान कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा। तभी एलन से चैन ने कहा, प्रिंसेस अब जो हुआ उसे भूल जाओ, अब मून गोट हमारे पास है। और विंग की तरफ देखते हुए कहा, अब आप अपने मून वर्ल्ड को संभालिए, जिसे बरसों से तुम्हारी चिंग आंटी संभालती आ रही हैं। लेकिन विंग कोई जवाब नहीं दे रहा था। वह एक दिन पहले जो उसके साथ हुआ उन सब के बारे में सोच रहा था। रोज मून प्रिंसेस और वांजी को जाने के बाद जब वैन रोहान ने विंग को अपने रूम में बुलाया था तो वैन रोहान ने विंग से कहा था कि हमें मून प्रिंसेस के दूसरे बेटे को यहाँ पर लाना होगा, क्योंकि अगर हमें इस स्टोन की पावर को यूज करना है तो हमें उस लानवांजी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं जानता हूँ कि अब उसकी माँ उसे यहाँ पर नहीं आने देगी, लेकिन हम उस पावर को यूज कर सकते हैं अगर हम मून प्रिंसेस के दूसरे बेटे को यहाँ पर ले आए, क्योंकि वह दोनों ट्विंस हैं और दो ट्विंस के चाहे विचार मिलो या ना मिलो लेकिन इमोशन जरूर मिलते हैं। और वह जितना अपने भाई और उसके स्टोन के बारे में सोचेगा, उसके स्टोन की पावर हमारे लिए उतना ही वर्क करेगी, क्योंकि यह हमारी दुनिया है, ब्लैक मैजिक की दुनिया। अभी विंग ने कहा, माई मजेस्टी, लेकिन मैं कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला। माई मजेस्टी, अगर मुझे पता होता कि आप लैनजेन को यहाँ पर किस लिए लेकर आ रहे हो तो मैं उसे कभी भी फॉरेस्ट से यहाँ पर नहीं आने देता। और माई मजेस्टी, एक बात याद रखना कि मैं अब तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। तुमने मेरे सामने मेरे दो डिसिपल्स की जान लेने की कोशिश की और तुमने मेरे एक डिसिपल की जान ले भी ली। बेशक वह तुम्हारा बेटा था, लेकिन वह मेरा एक डिसिपल था, मेरा एक होनहार डिसिपल। आपको क्या लगता है माई मजेस्टी कि तुम्हारे इस तरह के व्यवहार को देखकर मेरी तैयार की हुई सेना तुम्हारे लिए युद्ध लड़ने के लिए तैयार होगी? वैन रोहान ने विंग की तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि वह लोग केवल तुम्हारा ब्लैक मैजिक सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं और तुम्हारा डिसिपल बनने के लिए? नहीं, ब्लैक मैजिक गोट ऐसा नहीं है। जिस तरह तुमने अपनी जान बचाने के लिए यह ब्लैक मैजिक सीखा था, उसी तरह यह लोग भी अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए
यहाँ पर ब्लैक मैजिक सीख रहे हैं। उसी तरह यह लोग भी अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए यहाँ पर ब्लैक मैजिक सीख रहे हैं। विंग जो इस समय वैन रोहन की तरफ बहुत ही हैरानी से देख रहा था। वैन रोहन मुस्कुराया और वैन रोहन ने अपना हाथ एक बॉल की तरफ लहराया और देखते ही देखते उस बॉल पर कुछ तस्वीरें उभरने लगी, जो बहुत ही पथरीली दिखने वाली जगह थी, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे और कुछ औरतें थी। इन्हें देख कर लग रहा था जैसे उनके पास ना ही सही से खाना खाने की और ना ही सही से पानी की और ना ही सही से क्लोथ की सुविधा है। वह जगह बहुत ही ज़्यादा मैसी थी, जिस तरह वहाँ के बच्चे और लेडीज के कपड़े मैसी नजर आ रहे थे। विंग जो उन सभी की तरफ बहुत हैरानी से देख रहा था और विंग की आंखें नम होने लगी थी। विंग ने वैन रोहन की तरफ देखा और कहा, मुझे लगता था कि तुम केवल प्यार के नाम से नफरत करते हो, लेकिन आज मुझे पता चला कि तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की चीज ही नहीं है। मैं भी पहले तुमसे बहुत नफरत करता था, लेकिन जब तुमने मुझे ब्लैक मैजिक गॉड बनाया तो मुझे लगा कि तुमने मेरे साथ इतनी ज़्यादा शक्ति इसलिए बढ़ती है कि तुम मुझे ब्लैक मैजिक गॉड बना सको, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम केवल अपनी एक सेना तैयार कर रहे हो और जिसके लिए तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग सिपाही चाहिए। लेकिन वैन रोहन, इतना याद रखना, तुमने चाहे कितना भी उनकी फैमिली को बंदी बनाकर रखा हो और वह तुम्हारे लिए कितना भी दिल से लड़े, लेकिन वह मेरे बिना इस युद्ध को नहीं जीत सकते। और याद रखना वैन रोहन, मैं इस युद्ध में नहीं लड़ने वाला। तभी वैन रोहन ने कहा, राजकुमार विंग, वो देखो सामने। यह कहते हुए वैन रोहन ने बॉल की तरफ इशारा किया, जहाँ पर दिख रही तस्वीरों में एक छोटा सा बच्चा नजर आ रहा था। विंग ने एक बार वैन रोहन की तरफ और एक बार बॉल पर दिख रहे बच्चे की तरफ देखा। वैन रोहन ने कहा, वह देखो कितना प्यारा और कितना मासूम बच्चा है। हाँ, बस थोड़ा मैसी दिख रहा है, क्योंकि उसके क्लोथ और उसके बाल बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं, लेकिन फिर भी वह जिंदा तो है ना अभी। या फिर राजकुमार भी, मुझे लगता है इस तरह गंदगी में जीने से अच्छा तो इसका मर जाना ही बेहतर है। और कहते हुए वैन रोहन ने अपने मैजिक से उस बच्चे की तरफ मैजिक करना चाहा, लेकिन तभी विंग ने वैन रोहन के हाथ को रोक दिया, क्योंकि विंग जानता था कि वैन रोहन उसकी जान लेने वाला है। जो इंसान एक ही पल में अपने बेटे की जान ले चुका है, तो उसके लिए यह मासूम तो उसका कोई भी नहीं लगता। वैन रोहन ने कहा, राजकुमार वी, तुम्हें क्या लगता है इस तरह मेरा हाथ रोकने से तुम उन सबकी जान बचा सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि केवल मेरे एक इशारे पर वहाँ का ब्लैक मैजिक एक ही पल में उन सबकी जान ले लेगा। विंग जो गुस्से में अपनी मुठियाँ कस रहा था और विंग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, वैन रोहन, आखिर तुम क्या करना चाह रहे हो? तभी वैन रोहन ने कहा, यह तो तुम पहले से ही जानते हो विभूषण, कि मुझे क्या चाहिए। मुझे केवल वह स्टोन चाहिए जिसके जरिए मैं सारे राज्यों पर राज कर सकूं। विंग ने कहा, ठीक है, मैं यह युद्ध लड़ने के लिए तैयार हूं। तभी वैन रोहन ने कहा, केवल लड़ने के लिए नहीं, यह कहो कि तुम इस युद्ध को जीतने के लिए तैयार हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इन सब की जान ले लूँगा। और अब हम उसी समय पर आते हैं जहाँ पर विंग मून प्रिंसेस के सामने खड़ा और अपने बारे में सोच रहा था। विंग ने एक बार यानली की तरफ देखा, जिसके फेस पर बहुत ही ज़्यादा खुशी नज़र आ रही थी, और एक बार चिंग की तरफ देखा, जो आंखों में आंसू लेकर बहुत ही उम्मीद से विंग की तरफ देख रही थी, और हेवन गोल्डलैंड से चन की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैं इस राज्य को नहीं संभाल सकता। मैं कोई मून गॉड नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं केवल ब्लैक मैजिक गॉड हूँ, जो वैन रोहन का एक मजबूत सिपाही है। इसीलिए आप लोग मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप ब्लैक मैजिक एम्परर को हरा सकें। चिंग ने कहा, नहीं लिटिल मून प्रिंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी तरफ देखो और कहो कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। अपना राज्य, अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंडपा, यहाँ तक कि तुम्हें मैं भी याद नहीं हूँ। तुम तो हमेशा मेरे पास रहते थे। मैं तुम्हें हमेशा हेवन में घुमाने लाया करती थी। क्या तुम्हें इस जगह और मुझे देखकर याद नहीं आया कि मैं कितनी बार
तुम्हें इस जगह पर पहले भी लेकर आई हूँ। पिंग, जिसे सब कुछ याद आ चुका था कि वह मून प्रिंसेस की मैरिज के बाद बहुत बार इस जगह पर आया था, हेवन गोट जो उसे बहुत प्यार करते थे और साथ ही लंच रेन जो उसे अपनी बुक्स पढ़ाया करते थे और एक गोट बनने के नियम सिखाया करते थे। लेकिन विंग ने चिंक की तरफ देखा और कहा, नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। और याद भी होगा कैसे जब ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं जानता हूँ कि आप लोग केवल ब्लैक मैजिक एम्परर को हराने के लिए यह सब बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप लोग ब्लैक मैजिक एम्परर की सेना से जीत सको। तभी लंच रेन ने गुस्से में कहा, लड़के तुम किस तरह की बात कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ब्लैक मैजिक हमारी अच्छाई की ताकत से जीत सकता है? चैन भी विंग से इसी तरह की बातें कर रहा था, लेकिन चिंग केवल विंग की आंखों में देख रही थी और समझ पा रही थी कि उसका लिटिल मून प्रिंस इस समय झूठ बोल रहा है। लंच रेन ने चिंग की तरफ देखा और कहा, प्रिंसेस मैं जानता हूँ इसे तुम्हारा मैजिक यहाँ पर लेकर आया है। प्रिंसेस मैं चाहता हूँ कि तुम इसे वापस इसके मैजिक महल में भेज दो। इस लड़के को दोबारा हेवन में नहीं देखना चाहता। और यह कहकर लंच रेन वहाँ से चले गए और साथ ही लैन सिचैन भी वहाँ से चले गए। जो कभी यानली की तरफ तो कभी जिन जेसवान की तरफ देख रहा था, जिन्होंने अभी तक एक भी शब्द नहीं कहा था। विंग ने चिंग की तरफ देखा और कहा, मून प्रिंसेस आप मुझे उसी जगह पर वापस भेज दीजिए जहाँ मैं रहना डिजर्व करता हूँ। ने विंग की तरफ देखते हुए कहा, मून प्रिंस मैं तुम्हें उसी जगह पर वापस भेज दूँगी जहाँ तुम जाना चाहते हो, लेकिन फिर से कभी यह मत कहना कि तुम उस जगह को डिजर्व करते हो। लेकिन क्या जाने से पहले तुम एक बार अपने लंजन से नहीं मिलना चाहोगे? विंग जो बहुत हैरानी से चिंग की तरफ देख रहा था। विंग जब वांजी के रूम में पहुंचा तो वांजी मेडिटेशन कर रहा था। विंग एकटक वांजी की तरफ देख रहा था जिसकी आंखें बंद थी, जो इस समय बिल्कुल गोट की तरह नजर आ रहा था। वांजी को विंग की उपस्थिति का एहसास हुआ तो वांजी ने अपनी आंखें खोली और विंग की तरफ देखा। वांजी तेजी से खड़ा हुआ और कहा, लाउसी आप, मैं जानता था कि आप मुझसे मिलने जरूर आओगे। तभी विंग ने कहा, लंजन मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ उस रात के लिए। लेकिन तभी वांजी ने विंग से कहा, लाउसी मैं उस रात के बारे में आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपने जो कुछ किया मेरी जान बचाने के लिए किया, और मैं उस बात को लेकर आपसे नाराज़ नहीं हूँ क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ लाउसी। लेकिन लाउसी एक सवाल जो मेरे हार्ट पर एक बटन की तरह है, क्या आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? विंग ने कहा, हाँ लंजन, वांजी ने कहा। लाउसी जब आप मुझे फॉरेस्ट में मिले थे तो क्या आप मुझे जानते थे कि मैं कौन हूँ? विंग ने वांजी की आंखों में डीपली देखा और कहा, नहीं लंजन मैं नहीं जानता था कि तुम कौन हो। लंजन मैं उस समय तक तुम्हारी पहचान से अनजान था जिस समय महाराज वैन रोहान ने तुम्हें हेवन प्रिंस लानवांजी कहकर पुकारा था। वांजी जो इस समय केवल विंग के फेस की तरफ देख रहा था, विंग ने कहा, लंजन क्या तुम कुछ और पूछना चाहोगे? वांजी ने कहा, नहीं लाउसी मुझे इसके सिवा कुछ और नहीं पूछना। तभी विंग ने कहा, ठीक है लंजन तो फिर मैं चलता हूँ। यह कहकर विंग डोर की तरफ जाने लगा। तभी वांजी ने कहा, लाउसी क्या आप मुझसे कुछ नहीं कहना चाहोगे? विंग जो जानता था कि लंजन किस बारे में बात कर रहा है, विंग मुड़ा और वांजी के फेस की तरफ देखते हुए कहा, नहीं लंजन अभी एक दिन बाकी है। वांजी ने कहा, तो लाउसी जब वह एक दिन आएगा तो आपको लगता है कि आप मुझसे जरूर कहोगे कि आप मुझसे प्यार करते हो? विंग वांजी के फेस को डीपली देख रहा था, क्योंकि विंग जानता था कि वांजी अपने सवाल में ही अपना जवाब मांग रहा है। विंग ने कहा, लंजन कुछ घंटे बाकी हैं, उसके बाद मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। और यह कहते हुए विंग ने एक बार फिर से अपना डोर की तरफ रुक कर लिया। विंग जब एक बार फिर से यानली जिन जेसवान और मून प्रिंसेस के पास पहुंचा, तो जिन जेसवान ने कहा, विभूषण आज जब तुम मेरे सामने हो तो आज मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम नहीं जानते मैं आज भी तुम्हें अपने बड़े बेटे की तरह प्यार करता हूँ। विंग ने जिन जेसवान की तरफ देखा और कहा, लगता है महाराज
आपने यह सब कहने में काफ़ी समय लगा दिया। अब मेरे पास आपकी इन सब बातों के लिए समय नहीं है। बिंग ने जिन जेसवंत की सोट की तरफ देखा और कहा, महाराज अगर आप सच में मुझे अपना बेटा मानते हो तो क्या आप मेरी एक विश पूरी करोगे? तभी जिन जेसवंत ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी हर एक विश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। बिंग ने कहा, नहीं मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी यह सोट चाहिए। यह तीनों जो इस समय बहुत ही हैरानी से बिंग की तरफ देख रहे थे, क्योंकि एक गोट से उसकी सोट मांगना और वह भी युद्ध के समय, यह बहुत ही बड़ा गुनाह माना जाता है। लेकिन बिंग ने यह सोट एक पिता के प्यार के प्रमाण के रूप में मांगी थी और इसीलिए जिन जेसवान उस सोट को बिंग को देने से नहीं रोक पाए और उन्होंने एक ही पल में वह सोट बिंग के हाथ में रख दी। बिंग ने जिन जेसवान की सोट को लिया और सोट को सम्मान देते हुए कहा, आखिर आपने साबित कर दिया कि आप मुझे अपना बेटा मानते हो, लेकिन मैं आपको अपना पिता मानता हूँ या नहीं यह मैं कल आपको बताऊँगा इस युद्ध के बाद। बिंग ने यानली की तरफ देखा और कहा, माँ अब मैं चलता हूँ, मैं युद्ध के बाद आपसे मिलूँगा। यानली जो बिल्कुल खामोश थी, क्योंकि वह इस समय अपने बेटे के व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी, यानली ने केवल हाँ में अपना सर हिलाया। बिंग ने चिंग की तरफ देखा और कहा, मून प्रिंसेस मैं आपसे भी विदा चाहता हूँ और मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ आप मुझे वापस वहीं पर भेज दीजिए। और चिंग ने अपने मैजिक से बिंग को एक बार फिर से ब्लैक मैजिक महल में भेज दिया। लेकिन चिंग के लिए इस समय इन बातों को समझना बहुत मुश्किल हो रहा था कि आखिर मून गॉड ने उससे झूठ क्यों बोला, क्योंकि प्रिंसेस जो इतने सालों से मून गॉड के स्टोन की देखभाल कर रही है तो वह समझ चुकी है कि मून गॉड की याददाश्त वापस आ चुकी है, लेकिन वह यह बात क्यों मानना नहीं चाहता। और आखिर वह समय हुआ जब वह सभी युद्ध के लिए जाने लगे। चिंग जो इस युद्ध में जाना चाहती थी, लेकिन वह कह नहीं सकती थी क्योंकि इस युद्ध के नियम पहले से ही बन चुके थे और उसे इस समय वांजी की भी चिंता हो रही थी। वांजी जो एक पनिशमेंट के रूप में इस समय अपने रूम में कैद था। आखिर सभी योद्धा स्टोन वर्ल्ड के सामने इकट्ठा हो चुके थे। जिन जेसवान जो अपनी हेल की सेना के साथ थे, लैन सिचैन जो मून वर्ल्ड की सेना के साथ थे और लैन चरेन जो हेवन की सेना के साथ थे, लेकिन वह सभी वैन रोहन की सेना को देखकर हैरान थे। ऐसा लग रहा था जैसे वैन रोहन ने काफ़ी लोगों को मजबूर किया था इस युद्ध में शामिल होने के लिए। वैन रोहन की एक सेना की टुकड़ी के साथ उसका बेटा वैन चाओ था और दूसरी टुकड़ी के साथ उसकी बेटी यांग जी थी। यांग जी जो युद्ध कला और ब्लैक मैजिक में अपने पिता की तरह सातिर है। और तीसरी और लास्ट टुकड़ी के साथ विंग था। लैन सिचैन, लैन चिरेन और जिन जेसवान देख रहे थे कि आखिर वैन रोहन इस युद्ध में लड़ने के लिए क्यों नहीं आया। वैन रोहन जो इस युद्ध में इसलिए नहीं आया क्योंकि वह अपने कक्ष में बैठकर अपने दोनों बच्चों की ब्लैक पावर को बढ़ा रहा था, ताकि उसके बच्चे अपने ब्लैक मैजिक से हर किसी को आसानी से हरा सकें। शुरू होने वाला था। वेंजुलियो ने विंग की तरफ देखा और कहा, वेंजुलियो जो यांगजी वाली टुकड़ी में शामिल था, लाउसी मैं नहीं जानता कि आज हम इस युद्ध को हारने वाले हैं या फिर जीतने वाले, लेकिन लाउसी अगर इस युद्ध में मुझे कुछ हो गया तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे भाई का हमेशा ख्याल रखें। विंग ने वेंजुलियो की तरफ देखा और कहा, नहीं तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम खुद पृथ्वी पर जाकर अपने भाई की देखभाल करोगे और अपने भाई के साथ रहोगे। वेंजुलियो ने कहा, लेकिन कैसे लाउसी? बिंग ने वेंजुलियो के हाथ में एक कॉइन देते हुए कहा, यह लो, युद्ध खत्म होने के बाद तुम इस कॉइन को अपनी मुट्ठी में बंद करना और अपनी आंखें बंद करके अपने भाई के बारे में सोचना और तुम सही सलामत अपने भाई के पास पहुंच जाओगे। और आखिर युद्ध शुरू हुआ। जिन जेसवान जिनका युद्ध वेंजुलियो और यांगजी के साथ था, वेंचाओ जिसकी टुकड़ी का युद्ध हेवन गोड लैंसिचैन के साथ था और ब्लैक मैजिक गोड यानी विभूषण की टुकड़ी का युद्ध हेवन एम्परर लैन चिरेन की टुकड़ी के साथ था। लैन चिरेन ने विंग की तरफ गुस्से में देखते हुए कहा, लड़के क्या तुम्हें पता है, मून प्रिंसेस बरसों से तुम्हें ढूंढ रही थी, लेकिन जब तुम उन्हें मिले तो तुमने यह मानने से इनकार कर दिया कि तुम एक मून गॉड हो
और मैं जानता हूँ कि तुमने यह सब क्यों किया था, क्योंकि तुम एक ब्लैक मैजिक गॉड हो जिसे ब्लैक मैजिक एम्परर ने पाला है, और इसीलिए तुम केवल एक राज्य के होकर नहीं रहना चाहते, तुम्हें हर एक राज्य पर राज करना है। लेकिन लड़के, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारे हाथ इस स्टोन को नहीं लगने दूंगा। बिंग मुस्कुराया और लंच रेन की तरफ देखते हुए कहा, ग्रैंडपा चलो देखते हैं कि कौन इस स्टोन को अपने साथ लेकर जाता है। लंच रेन ने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा नहीं हूँ, मैं बस लान सिजवी और लान वांची का ग्रैंडपा हूँ। इन्हें कहा, हेवन एम्परर, मैंने आपको इसलिए ग्रैंडपा नहीं कहा है कि तुम हेवन में रहने वाले हो, मैंने तुम्हें इसलिए ग्रैंडपा कहा है क्योंकि तुम्हारे ओल्ड हैंड इस सोर्ड को लेकर कांप रहे हैं। चिरेन ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, लड़के यह तो समय बताएगा कि किसके हाथ कांपते हैं। और एक ही पल में उन दोनों के बीच में युद्ध शुरू था। लेकिन लैन चिरेन देख रहे थे कि यह लड़का इस तरह सोर्ड चला रहा है मानो उसे सोर्ड चलानी आती ही नहीं हो। समय बीतने लगा था और वह समय आने वाला था जब वह स्टोन चमकने वाला था जिसे पाने के लिए यह युद्ध किया जा रहा था। लेकिन जब तक वह समय आया, जब तक युद्ध के मैदान में काफी लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसमें बैन रोहान का बेटा बैन चाओ भी था जिसे लैन सिचेन ने मार डाला था। लेकिन यांग जी जो अभी भी मैदान में अड़ी हुई थी, या फिर यह कहो कि जिन जेसवान उसकी जान नहीं लेना चाहते थे क्योंकि वह एक लड़की थी और वह भी उसके बेटे की एज की, इसीलिए वह केवल उसकी सोट से अपने सिपाहियों और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते वह काफ़ी घायल भी हो चुके थे और यांग जी भी काफ़ी घायल हो चुकी थी। और वह पल आया जब वह स्टोन चमकने लगा। हर किसी की नज़र उस स्टोन पर जाकर ठहर गई। सबने अपनी तलवारें नीचे कर ली क्योंकि जहाँ पर वह स्टोन चमक रहा था वहाँ पर हर किसी के जाना बस की बात नहीं था। वहाँ पर केवल लैन चिरेन जा सकते थे जो परसों से उस स्टोन की देखभाल कर रहे थे, या फिर वह इंसान जो उसे पाने की नियत रखता है और अपनी जान गंवा बैठता है। लैन चिरेन ने विंग की तरफ देखा और कहा, लड़के अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो प्लीज़ वहाँ तक मत जाओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। विंग ने लैन चिरेन की तरफ देखा और कहा, ग्रैंडपा युद्ध में कभी किसी से प्लीज नहीं कहते और योद्धा अपनी जान गंवाने से नहीं डरते। और कहते हुए विंग ने एक ही पल में उस स्टोन की तरफ छलांग लगा दी। और उधर हेवन में चिंग जो अपने रूम में बैठी थी, लेकिन उसका दिल बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। चिंग अपने रूम से बाहर निकली और सीधा वांजी के रूम की तरफ बढ़ी। चिंग ने वांजी के रूम के डोर को खोला और देखा वांजी जो सामने बेड पर सो रहा था। चिंग ने वांजी की तरफ देखा और उसे थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। चिंग सोच रही थी, वांजी तो सही सलामत सो रहा है, फिर मुझे इतनी घुटन क्यों महसूस हो रही है। और चिंग धीरे धीरे वांजी की तरफ बढ़ने लगी। चिंग वांजी के पास आई और चिंग ने वांजी के सर पर हाथ फिराते हुए उसके फोरहेड पर किस किया। लेकिन तभी चिंग ने देखा वांजी की बॉडी का कलर चेंज होने लगा और चिंग ने जो सामने देखा उसे देखकर चिंग के होश उड़ गए, क्योंकि बेड पर जो बेहोश लेटा हुआ था वह वांजी नहीं बिभूषण था। और चिंग के दिल ने डरते हुए कहा, अगर बिभूषण यहाँ पर है तो उसका वांजी कहाँ है। चिंग ने विंग के फोरहेड पर दो फिंगर टच की और विंग को होश आ गया। विंग ने जब अपनी आंखें खोलकर देखा तो वह वांजी के रूम में था और उसे याद आया जब वह वांजी से बातें कर जाने लगा था तो अचानक उसे चक्कर आए और वह बेहोश हो गया। और चिंग को भी याद आया जब मूनगोड उस डोर से निकले तो वांजी ने अचानक वह डोर बंद कर लिया था। उसके बाद वांजी ने वह डोर नहीं खोला। चिंग को लगा कि शायद वांजी सब बातों को लेकर बहुत परेशान है और इसीलिए उसने वह डोर नहीं खोला। लेकिन अब चिंग समझ चुकी थी कि वांजी ने वह डोर क्यों नहीं खोला था, क्योंकि वह यहाँ पर अपनी जगह विभूषण को छोड़कर गया था। विंग ने चिंग की तरफ देखा और कहा, लेकिन लंजन में तो केवल किसी चीज का रूप लेने की पावर थी, फिर वह किसी इंसान का रूप कैसे ले सकता है। तभी चिंग ने कहा, किसी भी चीज का रूप बदलने की पावर यह उसे मैंने दी थी,
लेकिन किसी इंसान का रूप बदलने की पावर यह उसकी खुद की है। पिंग तेजी से बेड से उठा और कहा, चिंग आंटी मुझे अभी बैटल फील्ड में जाना है। चिंग जो विंग की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसने तो उम्मीद ही खो दी थी कि वह अब कभी भी उसके लिटिल मून प्रिंस के मुंह से अपने लिए चिंग आंटी सुनेगी। चिंग ने कहा, हाँ लिटिल मून प्रिंस, मुझे भी तुम्हारे साथ बैटल फील्ड में चलना है। और चिंग ने अपना हाथ घुमाया और देखते ही देखते वह दोनों वहां से डिसअपीयर हो गए। और उधर वांजी ने लेन चिरेन की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, जो एक साथ उस स्टोन की तरफ बढ़ रहे थे। और एक ही पल में वांजी ने उस स्टोन को अपनी मुट्ठी में भर लिया, लेकिन दूसरे ही पल एक सिसकी के साथ उसकी मुट्ठी ढीली पड़ गई, क्योंकि लेन चिरेन की तलवार वांजी के सीने को पार कर निकल चुकी थी। लेन चिरेन की सोट जो अभी भी वांजी के सीने में धसी हुई थी, तभी उसने एक चिल्लाने की आवाज़ सुनी, वांजी लेन जैन। जब सभी ने उस आवाज़ की तरफ देखा तो वहां पर मून प्रिंसेस और विंग खड़े थे। सभी की आंखें जो विंग की तरफ हैरानी से देख रही थी, अगर विंग वहां पर है तो फिर वह कौन है। चिरेन ने जब उस इंसान की तरफ देखा जिसके हाथ में वह स्टोन अभी भी था, तो लेन चिरेन की जैसे पूरी दुनिया ही ठहर चुकी थी, क्योंकि तो वह कोई और नहीं उसका वांजी था। वह वांजी जिसे कभी गलती से भी उसने सजा देने की कोशिश नहीं की। और चिरेन ने एक ही पल में अपनी तलवार वांजी के सीने से खींच ली, लेकिन इससे पहले कि वांजी जमीन पर गिर पाता, बींग ने वांजी को अपनी बाहों में संभाल लिया। चिरेन ने वांजी का नाम पुकारा, लेकिन वांजी ने विंग की गोद में गिरने से पहले ही अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली थी। लेन चिरेन जो वांजी की तरफ इस तरह देख रहा था, मानो उसकी जिंदगी उसे पल में ही ठक्कर ले गई हो। उसने एक ही पल में अपने वांजी को आज तक की सारी शरारतों की सजा एक साथ ही दे दी हो। और वांजी ने चिरेन को उसकी गलती सुधारने का मौका भी नहीं दिया। हेवन फैमिली जो सब कुछ सोचने समझने की ताकत खो बैठी थी, लेकिन वहां खड़ा हर एक इंसान जो एक दूसरे की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, जब वह स्टोन लान वांजी ने उठा लिया है तो अब तक हेवन के लोगों को छोड़कर हर एक राज्य के लोगों को स्टोन बन जाना चाहिए था, लेकिन वहां खड़ा कोई भी इंसान स्टोन में नहीं बदला था। तो क्या स्टोन गोड ने कभी भी किसी को कोई कर्ज नहीं दिया था? क्या यह सब झूठ था कि अगर किसी भी राज्य ने इस स्टोन को पा लिया तो उसके अलावा हर एक राज्य का इंसान स्टोन में बदल जाएगा? एंड मैं इस पार्ट को थोड़ा और लंबा बना सकती थी, लेकिन ज़्यादा लंबा पार्ट फिर अपलोड नहीं होता, इसीलिए मैं इस पार्ट को यहीं पर रोक रही हूँ। मैं यह बात आपसे इसलिए कह रही थी क्योंकि कल मैंने आपसे कहा था कि कल के पार्ट के बाद यह स्टोरी मॉडर्न वर्ल्ड से चलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज का पार्ट मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आज का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।